नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत बिहारियों से भरा देश, जी हाँ, जिसे बिहारियों ने ही बसाया है और आज वहाँ पे वो बिहारी वहाँ करोड़पति बिजनेसमैन बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मॉरिशस की। मॉरिशस हिंद महासागर का एक द्वीप है जो अपनी खूबसूरती और व्हाइट सैंड बीच के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये वो देश है जो अपने विविधताओं से भरी संस्कृति के लिए दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेता है, और इस आकर्षण से जो सबसे ज्यादा आकर्षित होता है वो देश है भारत। सोचिए, अगर आप मॉरिशस में घूम रहे हों और आपके कानों में आवाज आए का हो का हाल बात, कितनी खुशी होगी आपको कि इस विदेश में हमारी बिहारी भाषा। जी हाँ दोस्तों, मॉरिशस में विदेश के साथ स्वदेश वाली फीलिंग भी जरूर आएगी। हम बिहारी होते ही कमाल के हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ अपना ही भारत बसा लेते हैं। दोस्तों आइए आपको बताते हैं मॉरिशस में भारत की कहानी। ये बातें तकरीबन शुरुआती 1800 ईस्वी की है, जब ब्रिटिश पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोगों को गन्ने की खेती के लिए मॉरिशस ले जाया गया था। इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा गया। गिरमिटिया लोग वहां गन्ने के खेती और चीनी फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के निर्माण का काम भी किया करते थे। गिरमिटिया के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोगों को देश से विदेश भेजा जा रहा था। कुछ भारतीय काम करने के बाद अपने देश वापस आ गए तो वहीं बिहारी वहीं बस गए। ये बिहारी मॉरिशस को अपना देश बनाने में लग गए और अपनी संस्कृति और भाषा का प्रसार और विस्तार करने में जुट गए। अगर आप मॉरिशस में हैं तो आपको देसी खाना की तलाश में ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ बिहारियों के अपने रेस्टोरेंट हैं जहाँ आपको दाल पूरी से लेकर चंपारण चिकन तक मिल जाएगा। वैसे मॉरिशस में खाने पीने की हर चीज़ बहुत महंगी है, क्योंकि यहाँ घी, दूध, मक्खन, सब्जियाँ, अनाज, कपड़े सब कुछ विदेशों से आयात किया जाता है। यहाँ ज़्यादातर खाने की वस्तुएँ दक्षिण अफ्रीका से तथा कपड़े व गहने भारत, जापान और कोरिया से आयात किए जाते हैं। दोस्तों मॉरिशस की अपनी कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन इंग्लिश को आधिकारिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मॉरिशस क्रियोल के बाद लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दूसरी बड़ी भाषा भोजपुरी है। जी हाँ, फ्रेंच भोजपुरी के बाद मॉरिशस में लोगों द्वारा बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा हिंदी और उर्दू है। दोस्तों भारतीय संस्कृति की झलक यहाँ बखूबी देखी जा सकती है, और साथ ही यहाँ पे खूबसूरत बिहारी समाज भी। जी हाँ दोस्तों, गिरमिटिया लोगों द्वारा अपनी संस्कृति को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से संजो कर रखा गया है। भले ही आज आपको अपने हिंदुस्तान के बिहार में बदहाली दिखती हो, लेकिन जो बिहारी मॉरिशस में बस गए हैं उन्हें देखकर एक पल को शायद आप चौंक जाएंगे कि क्या ये बिहार के हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही बिहारियों ने मॉरिशस बसाया है। ऐसे बिहारियों ने मॉरिशस को आज़ाद भी कराया था और वहाँ पे अपनी संस्कृति को संजो के रखा है। समय के साथ साथ भारतीय संस्कृति का प्रसार और विस्तार होता चला जा रहा है। दिवाली, महाशिवरात्रि, उगादि, गणेश चतुर्थी के अवसर पर मॉरिशस में राष्ट्रीय अवकाश होता है। आज मॉरिशस में दो संस्कृतियों का मेल आसानी से देखा जाता है। भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए भारत ने साल 1987 में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर की स्थापना किया था। जी हाँ, यह भारत और मॉरिशस के दोस्ती के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि यहाँ के बिहारियों ने कमाल कर दिया है, और वो खुद आज वहाँ पे इतने बड़े बिजनेसमैन हो चुके हैं, और वहाँ लगभग तमाम बिहारी बहुत ज़्यादा पैसे वाले और अमीर होते हैं, क्योंकि इन बिहारियों ने इस देश को उस वक्त संभाला था जब ये देश आज़ादी के लिए जूझ रहा था। यहाँ पे कितने ही बिहारियों ने अपनी बलिदान दिया और फिर इस देश को अपने ही हाथों सजाया भी है, इसलिए यहाँ पर बिहारियों की सबसे ज़्यादा इज्जत भी की जाती है।